अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट टू, व्हाट टैक्स एंड लेबर लॉज अप्लाई टू सोल प्रोप्राइटर। और हम बात कर रहे थे कि पंजाब में ये वेबसाइट पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है business.punjab.gov.pk, जिसका मकसद है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको फुल गाइडेंस इस वेबसाइट से मिल रही है, और हम मजीद इसको एक्सप्लेन करके ईजी बना रहे हैं। और आजकल के इस प्रॉब्लम में जो इस वक्त चल रही है सारी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, इकोनॉमीज और बिजनेसेस खास तौर पे दोबारा से उनको स्टार्ट होना पड़ेगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दोबारा स्टार्ट होने के लिए अच्छा होगा कि अगर आप जो है अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अपने बिजनेस को शुरू करें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो या हेल्थ इश्यू हो इस तरह का, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग रह सके, सर्वाइव कर सके। इस वेबसाइट पे ये है कि आप आते हैं, इसकी बड़ी अच्छी हेल्पलाइन भी है, और हम आज बात करेंगे लेबर लॉज के हवाले से और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि बिजनेस एंटिटी जो है ना, अब आप देख सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेसेस को हो रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, AOP है, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कि उनकी सेल नहीं हो रही। और चूंकि उनकी इनकम नहीं हो रही इस महीने के लिए या इस टाइम के लिए, लेकिन उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स हैं, जिनमें खास तौर पे रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, उसके अलावा कुछ पैसे जो ओनर खुद यूज करते हैं, उसके अलावा जो स्टॉक है वो भी आपने या तो खरीद लिया है या उसकी पेमेंट ड्यू है, तो इन सब खर्चों की वजह से इनकम नहीं है या बहुत कम है। तो आपके वो जो फिक्स खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते इस महीने के लिए या इस टाइम के लिए, उसकी वजह से आपको लॉस होगा। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक ही ओनर हैं, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो सोल प्रोप्राइटर और AOP की यही एग्जांपल दी जाती है कि इनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे यहां भी मैंशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि आपके वो जो फिक्स खर्चे हैं उनकी पेमेंट आप अगर अपने बिजनेस कैश और बिजनेस स्टॉक को बेच के लॉस पर, या जो है क्या कहते हैं, और कोई आपके पास कोई रिजर्व बिजनेस में पड़ा हो उसको पे उसको यूज करने के बाद भी अगर कुछ एक्सपेंसेस रह जाए जो आपने पे करने हैं, तो उन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को आपको अपने पर्सनल एसेट से बेचना पड़ेगा। वो कैश जो आपके घर पे है या आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, चाहे वो गाड़ी है, घर है, कोई और चीज है, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, तो इस हवाले से आपकी लाइबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड है। इसका जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फ्यूचर के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप सिंगल ओनर ही रहना चाहते हैं तो एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर दें। उसमें आपकी बैलेंस शीट पर जितने बिजनेस एसेट्स होंगे, जब एक दफा वो कंप्लीट हो जाए और आप अपनी लाइबिलिटीज और आप अपने एक्सपेंसेस को पे करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई खर्चे रह जाए या किसी के पैसे देने हो, तो आपके पर्सनल एसेट्स सिक्योर होंगे। खासतौर पर अगर आपने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत से पर्सनल एसेट्स बनाए हैं जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किए हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो फिर डेफिनेटली उनको जो है क्या कहते हैं सिक्योर करने के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं जो दो लोगों की होती है, या अगर सिंगल ओनर रहना चाहते हैं तो आप एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बनाएं। और इंशाल्लाह आप जिस तरह देख रहे हैं इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, हमने लास्ट टाइम पार्ट वन में बात की थी कि सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, उसका ट्रेड नेम क्या होता है, उसका लीगल नेम क्या होता है, जहां से ट्रेडमार्क की बात हुई थी। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। बेसिकली सोल प्रोप्राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, डेट्स हैं, देन अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि कोई भी खर्चा जो आप उधार पे कर लेते हैं, जैसे कोई स्टॉक ले लिया या बिजली कंज्यूम कर ली या किसी के एम्प्लॉयमेंट कर ली, तो वो सारी लाइबिलिटी फिर अगले महीने आपको पे करनी होती है, और वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एज सच जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, इसलिए कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, ओनर के पर्सनल और बिजनेस एसेट्स दोनों जो है क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, शायद उन्होंने आपको गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दी हैं, या गवर्नमेंट है, उसने उसका टैक्स आपने पे करना है, अगर आप सर्विस टैक्स वगैरह में, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो जो क्रेडिटर है वो बिजनेस के पैसों को भी ओन करते हैं और आपके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी ओन करते हैं। तो ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटर है। अब जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो या अच्छा टाइम चल रहा हो, या आप ऐसी इंडस्ट्री में हो
जहां पर काफी ज्यादा रिसोर्स जो है, जिसकी इनकम बहुत अच्छी है। इसमें एक एग्जांपल आईटी फ्रीलांसर्स की आती है, जब तक सॉफ्टवेयर का काम बढ़ता जाएगा उस वक्त तक एज अ सोल प्रोप्राइटर आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां ज्यादा स्टोर्स नहीं है सुपर स्टोर करें, तो वहां पर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रख के बेच सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्टोर ज्यादा होंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी सेल इफेक्ट होगी। या फिर इस तरह के हेल्थ इश्यू में आजकल जहां पर आपका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रुक गया या कम हो गया है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसमें सबसे आसान बात की होती है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने ही डिसीजंस लेनी होती हैं कि किस किस्म का नाम रखना है, कहाँ रजिस्टर करना है, कैसे उसको जो है क्या कहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं, कौन से कस्टमर्स हैं, कौन से एरिया में आपने काम करना है। तो फायदा ये होता है, और बहुत सारी चीजों में जरूरत इस बात की होती है कि अगर आपको एक अच्छा आइडिया आया है और आप उसको टेस्ट आउट करना चाहते हैं तो आप पहले एज अ सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस थोड़ी देर रन करें, फिर अपना बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। काफी बात इस पे होगी। लॉ पे आते हैं, लाजमन एज ए सोल प्रोप्राइटर आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर होने की जरूरत है, और एफबीआर के साथ सोल प्रोप्राइटर बड़े सिंपल तरीके से रजिस्टर होता है। बेसिकली वो जाता है आयरस पे, यहाँ पे लिंक जो दिया है वो तो उन्होंने ई पेमेंट्स का दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली वो जाता है irs.fbr.gov.pk पे। यहां पर जब आप आएंगे और एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उसको हम कहेंगे ई इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, और ई इनरोलमेंट का मतलब यह है कि आपका सीएनआईसी नंबर ही आपका एनटीएन बन जाएगा, और यहां पर आपको पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका आईडी कार्ड होगा, और जो पासवर्ड है वो यूनिक नंबर होगा। आप लॉग इन करेंगे और आगे जैसे आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि टैक्स रिटर्न होती है, उसमें डिफरेंट इनकम सोर्सेज होता है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आप रिटर्न फाइल करेंगे एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो आई होप कि वो जो बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कि जी सोल प्रोप्राइटर है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। हाँ जी, टैक्स फाइल रिटर्न तो आप जून के बाद फाइल करेंगे, लेकिन सपोज करें आप अभी बिजनेस शुरू करते हैं या जुलाई टू जून के दरमियान कभी भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले ई इनरोल होना है जैसे ही आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको आपका सीएनआईसी नंबर आपका नेशनल टैक्स नंबर बन जाता है। उसके अलावा एसटीएन भी होता है और पीटीएन भी होता है। सेल्स टैक्स नंबर ये है कि अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर शॉप खोलते हैं, तो आपको चूंकि आप या तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर हैं तो आपको रजिस्टर होना है। अदर देन दैट अगर आप किसी किस्म के भी मैन्युफैक्चरर हैं तब भी आपको सेल्स टैक्स नंबर भी लेना है, क्योंकि उसके बगैर आपको बिजली का मीटर वगैरह भी नहीं मिलेगा, और वो सब कुछ एफबीआर की वेबसाइट से मिल सकता है। और यहाँ जो है उन्होंने बहुत इजी कर दिया है आपको रजिस्टर होना। तो कहने का मतलब एक तो ई इनरोलमेंट ये हो गई, उसके अलावा एफबीआर मालूमात हो गए, और अगर हम एफबीआर की वेबसाइट पर चले जाएं तो तो सेल्स टैक्स के हवाले से आप जो है इस तरह रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स आते हैं, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में वो बताते हैं, और आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन रजिस्टर होगा, इंपोर्टर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर में किस किस्म का पर्सन होगा, और ऑब्वियसली इस पे हम इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाते रहेंगे। आगे चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो का कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होना है। याद रखिए इस वक्त के क्राइसिस में दो तीन बातें हैं कि अगर आप लेबर डिपार्टमेंट के साथ पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लेबर डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर होने का मतलब है कि फिर जो पाकिस्तान में 75 लेबर के कवानीन हैं उनमें से कुछ ना कुछ कवानीन जो हैं वो आप पर अप्लाई होंगे, जिसमें से दो कवानीन ऐसे हैं जिसमें आप लाजमन फॉल करते होंगे। अगर आपने कोई शॉप या कमर्शियल एरिया या रिटेलर ओपन किया या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, फिर आप पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में फॉल करेंगे। वरना अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है या सेमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप फैक्ट्री एक्ट में खोलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इन दोनों कवानीन को देखेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं कि जी हमें हमें तनख्वाह मिलेगी इस मंथ की कि नहीं। तो बेसिकली ये जो कानून होते हैं ये एक जगह तो एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशंस में, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि ये ना हो कि एम्प्लॉयज उनसे बिला वजह बहुत सारी डिमांड्स करें। तो एक सर्टन नंबर ऑफ छुट्टियां हैं जो अलाउड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव्स अगर हैं उसका भी कानून है, कितनी तनख्वाह है, तनख्वाह किस टाइम 7 तारीख हर महीने की पे हो जानी चाहिए, इस तरह की बातें इन लेबर लॉज में शामिल है।
और लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन के साथ सोल प्रोप्राइटर अपना काम शुरू कर सकता है। ठीक है जी, लेबर डिपार्टमेंट वगैरह जो है अब वो प्रोविंशियल वो है, आप देख सकते हैं ये मैं चूंकि आपके सामने ये कह रहा हूँ कि फिलहाल लिंक्स वगैरह, ऑब्वियसली ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट ने कितना आसान कर दिया। देखिए ये सारे सवाल कंसल्टेंट्स वगैरह कुछ अच्छी तरह देते हैं, कुछ अच्छी तरह नहीं देते, लेकिन अब आपको पता है कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खासतौर पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और आप सोच रहे हैं कि यार बिजनेस शुरू करना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जिससे आप स्टार्ट करें और फिर आगे आपका एफर्ट है जो आप बिजनेस में डालेंगे, आप अपना ब्रांड बनाएंगे। इंशाल्लाह ब्रांडिंग पे भी हम बात करेंगे किसी आगे वाली वीडियो में, कि बहुत जरूरी है कि आपका यूट्यूब चैनल हो, सोशल प्रेजेंस हो, ब्रांडिंग हो। तो बात यह हो रही है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसने लेबर डिपार्टमेंट के साथ लाजमन रजिस्टर होना है, क्योंकि या तो वो कोई रिटेलर या कोई शॉप या कोई इस तरह का आउटलेट है या सर्विस प्रोवाइडर है, या वो जो है कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह की उसका कंसर्न है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ये खुद से भी वो हो गया है रिस्टार्ट मे बी, क्योंकि देखें मैन पावर का इश्यू है, तो पीछे जो सर्वर्स वगैरह हैं उन पे भी इश्यूज हैं। तो मैं यहाँ बात को इसको कंक्लूड करूंगा कि यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, इन दो लॉस पे बात करेंगे लेबर डिपार्टमेंट। अब जब इन दो लॉस पे बात करेंगे तो आगे हम एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। इस टाइम पर ऐसे लोग जो पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी या सिंध एम्प्लॉय, क्योंकि मैं ये कहने लगा था कि प्रोविंशियल मैटर हो गया अब लेबर के जो कानून है, तो प्रोविंसेस खुद डील कर रहे हैं, फेडरल सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड है। तो अगर आप सोशल सिक्योरिटी में इनरोल्ड हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको इनरोल किया हुआ है या आप खुद इनरोल हुए हैं, तो अभी बड़ा अच्छा मौका है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और बेनिफिट्स हैं जो इस कानून के तहत, जिसको हम थर्ड वीडियो में देखेंगे, आप ले सकते हैं एज एन एम्प्लॉय। और अगर आप एम्प्लॉयर भी हैं तो आपने जितनी भी कंट्रीब्यूशन, जितने भी पैसे पे किए हैं एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इदारे को, तो इस टाइम बहुत अच्छा मौका है वो पैसे का बेनिफिट लेने का, कि आपके पास चूंकि कैश या रिसोर्सेस शॉर्ट है और आप अपने एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट नहीं देना चाह रहे, बेशक आपकी नीयत भी हो कि मेडिकल भी दें और चीजें भी, तो इन इदारों में अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करे। कानून बना हुआ है और आप देखें ये बहुत पहले से बना हुआ है, 1969, 1934 और 1965, इस टाइम से ये कवानीन बने हुए हैं, ये इदारे बने हुए हैं। इस टाइम पर आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं एज एन एम्प्लॉयर, वो अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करें, जाए उनके साथ इन इदारों में और उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिलवाएं, अगर बच्चों के स्कूल का कोई इशू है तो वो स्कूल्स वगैरह में, इस प्रॉब्लम को खत्म होने के बाद अगर आप वो प्राइवेट स्कूल आपके एम्प्लॉयज नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर हुए हैं, तो एम्प्लॉयज इनके पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अपने स्कूल्स होते हैं, उसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं जो अगर आप परस्यू करेंगे तो आप कंट्रीब्यूशन करते रहें अपने एम्प्लॉयज के लिए। और इस प्रॉब्लम को खत्म होने के बाद भी एज अ सोल प्रोप्राइटर अगर आप बिजनेस रन करें, तो आप देखें अगर मुश्किल के टाइम पर गवर्नमेंट से आपने हेल्प लेनी है तो इन कवानीन को फॉलो करने के कितने फायदे हैं। अगर आप टैक्स में रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली ये जितना लॉस आपको हुआ है ये टैक्स में आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकेंगे, और इंशाल्लाह हम लॉस क्लेम करने का तरीका भी बताएंगे, खासतौर पे अगर एज अ सोल प्रोप्राइटर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ रहे हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए एक कानून है जिसपे हम ये थर्ड और फोर्थ वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपने प्रोफेशनल टैक्स भी पे किया होगा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, तो क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको टैक्स देना है, डिपेंडिंग उसके डिफरेंट रेट्स हैं, तो यहाँ से भी जो बेनिफिट हम आपको सजेस्ट कर सकें वो इसके बाद वाली वीडियो में सजेस्ट करेंगे। तो ये वो सारे कवानीन हैं जो मुश्किल वक्त हो या नॉर्मल आपका बिजनेस रूटीन हो, इसमें आपको या आपके एम्प्लॉय को काम कर सक फायदा दे सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। तो गवर्नमेंट भी अब विलिंग है, आप भी विलिंग हैं, और इस पोर्टल के थ्रू आपको क्लैरिटी है। तो इस प्रॉब्लम के बाद या इसी प्रॉब्लम में अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन, हमारी प्रीवियस वीडियो थी बिकम एन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, तो अगर आप घर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस साइट पे स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पर यही लॉज अप्लाई होंगे, चाहे आप घर से काम करें, अलग से कोई कमर्शियल एरिया लें, फैक्ट्री बनाएं, किसी विलेज में काम करें, ये कवानीन आपके प्रोविंस में अप्लाई होते हैं अगर आप सिंध वगैरह कहीं भी देख रहे हैं।
तो इस वीडियो का मकसद था कि आपको ये सारे लॉ जो यहाँ बताए गए हैं, पंजाब सिंध में भी सारे जगहों में कॉमनली अप्लाई होते हैं। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त, टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू।